वीकेंड में घूमने की जगह ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ये जरूर चाहेंगे कि आपकी ट्रिप एकदम परफेक्ट हो। जाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है कि ट्रिप ऐसा हो जिनमें ना ज़्यादा समय लगे, ना ज़्यादा थकान हो और कुछ अच्छा भी देखा जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होना तो लगभग नामुमकिन के बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नागपुर। नागपुर से मैं मनोज आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल मनोज जिला ब्लॉग्स में फिर से एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा आज का सफर है नागपुर के टडोवा जंगल का, टडोवा जंगल के नवेगांव गेट का है। तो चलिए आज मॉर्निंग की सफारी टडोवा की जाए, जो कि नवेगांव में। महाराष्ट्र के पास ताडोबा नेशनल पार्क वीकेंड में घूमने के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। ताडोबा महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसे ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, यह महाराष्ट्र के राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित है और नागपुर शहर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्र 1727 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें वर्ष 1955 में बनाया गया ताडोबा नेशनल पार्क शामिल है। दोस्तों, आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज वीडियो को देखकर चले ना जाए। प्लीज 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में अच्छा या बुरा जो भी लगे प्लीज कमेंट भी करें। बाद जुलाई अगस्त सितंबर तक 3 महीने बारिश में बंद रहेगा। अच्छा, फिर अक्टूबर, हाँ 1 अक्टूबर से चालू है। सब खुले जानवर है, नेचुरल है सर। अच्छा, जंगल भी नेचुरल है, जानवर भी नेचुरल है। यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, ब्लैक बेयर, वाइल्ड डॉग, ब्लैक लेपर्ड भी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे टाइगर की संख्या कितनी है? पूरा जंगल में 115 की गिनती है। 115? हाँ। और आपकी ये लेपर्ड? लेपर्ड यहाँ पे 45। अब ब्लैक पैंथर तो शायद एक ही है। एक ही है, यहाँ पे 200 का यानी ये स्पीशीज है बर्ड्स के। अच्छा, आपने की नवेगांव जो होना है इसमें 3 गेट है, एक निमडेला गेट के रामदे की नवेगांव और निमडेला, ये 3 गेट की गाड़ी ये जोन में घूमती है। अच्छा, एक साथ डूबती है और फिर अंदर जाके अलग अलग हो जाती है? नहीं, ये एरिया में। अच्छा, ये एरिया में। पर इसका कोर का गेट हम लोग जो बुक किए, वो कोर का गेट आगे जाके मिलेगा? नहीं, यही से चालू हो गया। अच्छा, ताडोबा जंगल जी, आगे कोर का गेट है, वहाँ से खाली कोर ही है जी। हाँ, दो या तीन फीमेल के ये जैसा ताडोबा ब्रीडिंग सेंटर है जी, इसमें से टाइगर दूसरे जंगल में भी जा सकते हैं। अच्छा, कोई वाल कंपाउंड ये भी नहीं है। हाँ सर, आपका नाम? ताडोबा नेशनल पार्क में सफारी टूरिस्ट के लिए मुख्य आकर्षण है। आप पार्क गाइड के साथ खुली जिप्सी या बस में सफारी पर जा सकते हैं। खुली जिप्सी सफारी जंगली जानवर जैसे टाइगर, भालू, अन्य जानवर खोजने और उनका अनुभव करने के लिए प्रसिद्ध है। जीप या जिप्सी सफारी को पार्क के पास DFO कार्यालय में पहले से ही बुक किया जाना चाहिए। तत्काल बुकिंग पार्क के नवेगांव गेट में उपलब्ध है।
ताडोबा नेशनल पार्क मंगलवार को बंद रहता है। पार्क जून से अक्टूबर तक भी बंद रहता है। चलिए जानते हैं अलग अलग मौसम में सफारी की क्या टाइमिंग होती है। गर्मी के मौसम में सफारी सुबह 5:30 बजे से सुबह 7:30 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होती है। 6:30 बजे के बाद पार्क में किसी तरह की सफारी और गाड़ी की एंट्री की पाबंदी होती है। वहीं बरसात के मौसम में सफारी सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक होती है और शाम की सफारी 3:30 बजे से शुरू होकर शाम के 5 बजे तक समाप्त होती है। और सर्दियों के दौरान सफारी सुबह 6 बजे से शुरू होती है और सुबह 8 बजे तक समाप्त होती है। शाम की सफारी 2:30 बजे से शुरू होती है और 4 बजे तक समाप्त होती है। चलिए जानते हैं ताडोबा नेशनल पार्क की यात्रा की कुछ टिप्स। यदि आप ताडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र की यात्रा पर जाना चाहते हो तो किसी भी दुर्घटना और परेशानी से बचने के लिए कुछ बातों का ख्याल जरूर रखें। पहला, अपनी ट्रिप के दौरान चमकीले रंगों के कपड़े ना पहने क्योंकि यह खतरनाक जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। दूसरा, सफारी राइड में अपने गाइड की परमिशन के बिना जीप से बाहर ना निकले। तीसरा, ताडोबा नेशनल पार्क की यात्रा में कैमरा, दूरबीन और अन्य आवश्यक चीजें जरूर साथ में रखें। चौथा, पार्क में किसी भी जानवर को खिलाने या उसके पास जाने की कोशिश ना करें। पांचवा, ताडोबा नेशनल पार्क की यात्रा में स्मोकिंग बिल्कुल ना करें क्योंकि इससे आग लगने की खतरा बनी रहती है। दोस्तों, आप लोग इतना दूर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको इस वीडियो में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी पसंद आया होगा। उस पसंद को ख्याल में रखते हुए प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने में। चलिए जानते हैं ताडोबा नेशनल पार्क जाने की सबसे बेस्ट टाइम। जो भी पर्यटक ताडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र घूमने जाने के लिए बेस्ट टाइम सर्च कर रहे हैं, हम उन्हें बता दें, सर्दियों का मौसम अक्टूबर से मार्च ताडोबा रिजर्व घूमने के लिए बेस्ट टाइम होता है। इस समय बाघ सहित विभिन्न जानवरों को धूप सेकते हुए देखा जा सकता है। इस समय पार्क की प्राकृतिक सुंदरता भी अपने चरम पर होती है जो पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। हालांकि गर्मी के महीने भी इस पार्क का दौरा किया जा सकता है क्योंकि इस समय अक्सर बाघ पानी की तलाश में बाहर निकलते हैं और झील के किनारे देखे भी जाते हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियो बनाता हूँ। आप लोग वीडियो देखते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अच्छा सा कमेंट भी करें।
दोस्तों, आप टडोबा नेशनल पार्क कैसे पहुंचे उसकी डिटेल्स के लिए मेरा पिछला वीडियो को जरूर देखें। और साथ में, और अगर आप जानना चाहते हो कि सफारी बुकिंग कैसे किया जाता है तो प्लीज कमेंट करें, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, मैं हमारे प्यारे भारत के प्लेसेस घूमता हूँ और उन सफर को आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। आप लोग भी मेरी तरह भारत के प्लेसेस घूमना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो। आप उन प्लेसेस पर कैसे जाए, कहाँ ठहरे, उन सभी की जानकारी मेरे वीडियो में है। आप चाहो तो वहाँ से जानकारी लेकर अपना सफर कर सकते हो। आशा करता हूँ मैं आपको जो जानकारी दी, आप उस जानकारी से संतुष्ट हो। अगर आपको मेरा यह काम जरा से भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को देखकर चले ना जाए, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे से हुई किसी भी तरह की गलती को माफ़ करें और अपना महत्वपूर्ण कमेंट अवश्य करें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। पर इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूं। काफी कोशिशों के बाद भी हम लोग आज टाइगर की साइटिंग नहीं कर पाए। आशा करता हूं कि हमारी जो कल की मॉर्निंग वाली सफारी है, जो कि निम्डेला गेट की है, उसमें हमें टाइगर दिख जाए। इसी आशा को कायम रखते हुए मिलते हैं अपनी अगली सफारी पर। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा। अच्छे रहे, तंदुरुस्त रहे। जय हिंद।